एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति को सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने तीन कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबालने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगे तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू और अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को समझ नहीं आ पा रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों आलू अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफी कठोर हो गया था और किन पानी में उबलने के बाद काफी मुलायम हो गया था। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वह कठोर हो गया है। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा कि चाय की पत्ती ने गर्म पानी के साथ मिलकर अपना रूप बदल लिया था और अब वह चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया, हमने तीन अलग अलग चीजों को समान विपत्ति से गुजारा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। ठीक उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। प्रकृति हम सभी को समान अवसर देती है और मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप परेशानी का सामना कैसा करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद आप क्या बनते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।